वहीं खबर हम आपको बता दें, जहां पर यूपी में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। तापमान में भारी गिरावट से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तापमान में भारी गिरावट से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गलन से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। यूपी में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। तापमान में भारी गिरावट से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गलन से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड का सिलसिला लगातार जारी है, लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला, लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, फर्रुखाबाद से संवाददाता ऋषि सेंगर और दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं प्रवेश, राजधानी दिल्ली में क्या टेम्परेचर देखा जा रहा है? साथ ही क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, तो लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उससे लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में तापमान 3 डिग्री से कुछ ही नीचे जाने के लिए रुका हुआ था, नहीं तो दिल्ली में जो है 3 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो शीतलहर है, ठंडी हवा है, दिल्ली वासियों को ज्यादा परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं जो कोहरे की चादर है, जो लगातार जो है पिछले कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर के एरिया में छाई हुई है, उसे कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो सर्दी ने इस बार जो है तोड़ दिया है। और लगातार जो तापमान में गिरावट है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को, साफ तौर पर मैं कहूँ तो, अपने घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है, कामकाज करने में दिक्कत हो रही है। कई बार बच्चों को जो स्कूल जाने की परेशानी थी, उसके लिए दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने विशेष रूप से स्कूलों के समय में बदलाव जरूर कर दिया है। पहले स्कूल 8 बजे से या 7 बजे से हुआ करते थे, लेकिन अब सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी के लिए 9 बजे का आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि दूसरी पाली जो 1 बजे से होती थी, उसके लिए 1 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, कहने के बच्चों को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, उसमें साफ तौर पर मैं कहूँ तो अभी भी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लोगों का तो कहना यही है कि इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि राजधानी लखनऊ के क्या हाल है, क्या लखनऊ में भी स्कूलों में छुट्टियां करी गई है या फिर समय में बदलाव किया गया है? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें कड़ाके की ठंडक पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 17 जनवरी तक जो 1 से 8 तक के स्कूल हैं, उनको बंद करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ जो 9 से 12 तक के जो कॉलेज हैं, उनके समय में परिवर्तन किया गया है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ बात की जाए लखनऊ की सर्दी की, तो इसमें कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, उसके बाद शाम को भी घना कोहरा छाया रहता है। दिन में कोल्ड डे की कंडीशन बनी हुई है। लगातार जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास है, तो दिन में भी जो है लोगों को ठंडक से राहत नहीं मिल पा रही है। हाँ, मौसम विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं अतुल सिंह, उनसे जब बात की, उन्होंने बताया कि अब जो है जो पछुआ हवा है वो चेंज होने वाली है। पुरवाई हवा चलते ही ये 24-48 घंटे के अंदर पुरवाई हवा चलेगी और लोगों को ठंड से हल्की राहत मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार व्यवस्था करने में लगा हुआ था। अब जो है चौराहों पर अलाव जो है लगातार दिखने लगे हैं। इसके साथ ही साथ जो रैन बसेरे हैं, उनकी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। कंबल वितरण का कार्य भी लगभग लगभग संपूर्ण कर लिया गया है। तो लेकिन जो ठंडी है वो लगातार अभी उत्तर प्रदेश वासियों को जो है परेशान कर रही है। राजधानी लखनऊ भी ठंडी लगातार
अभी जारी है जी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर दी है, और इसके अलावा रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जाहिर तौर पर जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो कि सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होते थे, उनको कहीं ना कहीं इस ठंड से राहत मिलेगी। हमारे साथ फरुखाबाद से लगातार संवाददाता ऋषि सेंगर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि फरुखाबाद में कितना तापमान देखा जा रहा है, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से गलन हो रही है और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने माफ कीजिएगा प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहा है और यहाँ प्रशासन ने अलाव जलवाने के इंतजाम किए हैं, और रन बसेरे में भी लगातार अधिकारी आर अधिकारी आग का निरीक्षण कर रहे हैं, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। लेकिन लगातार सर्दी पड़ने से, जो कड़ाके की सर्दी और शीत लहर की वजह से आम जनमानस का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, रोज कमाने वालों के सीने ठंडे हो चुके हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो दिन में जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं लोग भी अपने घरों से निकलने में मजबूर होते नजर आ रहे हैं। और कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के क्या हाल है, और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या प्रशासन अभी भी जागा है, क्या इंतजाम किए गए हैं अलाव की जगह जगह पर? बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में लगातार ठंड पड़ रही है, कल भी 3.6 डिग्री पारा रहा, परसों 3.3 डिग्री पारा रहा, और आज की बात कर ले तो आज लगभग 5 डिग्री पारा इस वक्त कानपुर में दर्ज किया गया है, जैसा मौसम विभाग की तरफ से आया। तो कानपुर में अगर प्रशासनिक बात करें, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, कल डीएम जो है यहाँ के जिलाधिकारी इंचार्ज थी, वो उन्होंने रात में औचक निरीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि कई तरह की खामियां पाई, उन्होंने कई रैन बसेरों के निरीक्षण किए, एक साथ कर लगभग 7 से 8 रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पर उन्होंने कई खामियां पाई, जिसके बाद उन्होंने सख्त आदेश दिए कि उन रैन बसेरों में जो भी कमियां हैं उनको पूर्ण किया जाए, जो गरीब लोग जो बाहर सो रहे हैं उनको उनको लाया जाए, उनको रैन बसेरों शिफ्ट किया जाए, इस्तेमाल करी गई थी, तो उन जगहों पे सख्त निर्देश दिए कि अलाव की व्यवस्था की जाए, और कंबल जो है वो भी वितरण किया है डीएम विशाल जी ने। तो लगातार यहाँ पे जो ठंड है वो बढ़ रही है, और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल